मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आज ही आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया, तब जा करके उनका पोस्टमार्टम हुआ, और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है, और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, और जब तक उस चीज़ का मतलब पूरा वो नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये जो हड़ताल है चलती रहेगी। और इसीलिए पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी वॉन्ट वहाँ की पुलिस प्रशासन, जो अभी वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं संजय राय जिन्हें अरेस्ट किया गया है, वो वहाँ के बिल्डिंग से फ्राइडे को निकलते हुए पाए गए थे, और वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जिससे उनका मोबाइल फ़ोन जब उन्हें पकड़ा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। पर बात यह है कि वो इंसान खुद एक सिविल वॉलंटियर है कलकत्ता पुलिस की, तो उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी। और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद में पुलिस प्रशासन का जो शेल्टर होता है वहीं पर जाकर के वो इंसान वहाँ जाकर के सो गया, बिकॉज लॉ की तो हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। क्रिमिनल्स इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा नहीं, और उसके बाद अगर मिलेगा तो इस चीज़ में कई साल लग जाएंगे। तो वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद सो गया, और इसलिए फिलहाल ये जो हाईकोर्ट है वहाँ के हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई के वहाँ पर आने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 हज़ार की संख्या में मॉब आकर इकट्ठी हो गई, और उसने वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको टेम्पर करने के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ कर दी, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया। और इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस के फिलहाल कोई उम्मीदें बची नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे कि इस पूरे मामला की जल्द से जल्द जाँच हो, और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिशमेंट मिले, इवन उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। आवाज और बुलंद हो उसके लिए आगे क्या करेंगे? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उस पूरी प्रशासन मतलब इस पूरी मामले की जांच नहीं हो जाती, और जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक अनिश्चितकालीन तौर पर हड़ताल चलती रहेगी। पहले हम लोगों ने नॉन एमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया था, बट अब एमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को जल्द से जल्द देखे। और सबसे बड़ी बात यह हो रहा है कि लोगों को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, दे आर नॉट लुकिंग इट कि ये एक वुमन के साथ गलत हुआ है। इस कंट्री की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि वुमन है, बावजूद उसके भी इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को लग रहा है मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने हमें अलग कर दिया। दे आर नॉट लुकिंग इट कि वुमन सेफ्टी तो इस देश में बची नहीं है। इंडिया इज़ द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर 75% डॉक्टर्स फेस फिजिकल वायलेंस। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी। तो